हाँ जय माता दी। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। चले दोस्तों, फिर मैं एक सावित्री प्रेतनी साधना में लेकर आया हूँ, क्योंकि ये भी साधना है एकदम गुप्त साधना है। ग्रुप परंपरा से जौन सा भी साधना हम लोग किया है चाहे मिला है, वही साधना सिर्फ मैं बताता हूँ, ठीक है? आप लोग के YouTube पर भी ये साधना के बारे में नहीं मिला होगा कि सावित्री प्रेतनी कैसी होती है, ठीक है? तो आप इसका बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा साथ जुड़े रहिए, विस्तार से मैं बताऊंगा इसका बारे में। तो देखिए, ये सावित्री प्रेतनी है, सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मारण उचाटन विधवेशन, जल कल्याण के जितना भी काम कर वो करती है, मारण उचाटन विधवेशन ये भी सब काम कर सकती है। सीधी होने के बाद में जौन सा भी कार्य बोलेंगे एकदम क्षण भर में करती है। जौन सा भी कार्य करेंगे, जौन सा भी आदमी के शरीर के ऊपर बैठाना चाहते हैं, एकदम क्षण भर में करती है। ग्रामीण क्षेत्र के जितना भी डायन तांत्रिक ओझा भक्ता ये सब यही साधना के वो लोग प्रयोग करता है, क्योंकि जौन सा भी आदमी के थोड़ा इधर उधर करता है फिर वो लोग के शरीर के ऊपर बैठा देता है। ये सावित्री प्रेतनी है, उच्च कोटि के साधना है। तो चलिए, इसका विधि विधान के मैं बारे में बता देता हूँ, इसका विधि विधान क्या है, क्योंकि ये साधना करने के लिए ज़्यादा के आप लोग के खर्च भी नहीं है। आइए, किधर होता है मैं वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें सामग्री में बताया हुआ है, एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी, ठीक है, सफ़ेद खाल के पुष्प यानी कि फूल, आप चौमुखा जौन दिया रहते हैं वो दिया चाहिए, एक इत्र के शीशी में चाहिए, सफ़ेद रुई, इतने आप लोग के सामग्री चाहिए। आ एक अगरबत्ती, इतने सामग्री चाहिए। आ हर रोज 11 माला जाप करना पड़ेगा आपको। आ करना है किधर है, चौरास्ता जौन होता है, चौरास्ता बोलो चाहे चौबट्टी बोलो, उसी पे जाके आपको करना पड़ेगा। अब कितना नहीं ये पते नहीं रहता है कि चौरास्ता जौन होता है वो क्या होता है। देखिए, ऐसा कभी रास्ता देखे हैं कि इधर से आकर इधर जाना पड़ेगा, आ इधर से आकर उधर जाना पड़ेगा, फिर इधर से इधर जाना पड़ेगा, इधर से उधर, ऐसा जब रास्ता जब होगा वो चौरास्ता बोलता है, चाहे चौहद्दी बोलता है, चाहे चार रास्ता बोलता है, उस पर जाकर ये साधना ये सावित्री प्रेतनी के उधरे किया जाता है, सिर्फ चौरास्ते पर जाकर ये किया जाता है, ठीक है? तो चलिए, मैं विस्तार से फिर मैं बता देता हूँ। और चौरास्ता खोजने के बाद में सबसे पहले आपको मुख जौन रहेगा, माने मुख रहेगा दक्षिण के भी तरफ रख सकते हैं और उत्तर के भी तरफ रख सकते हैं, कोई इसमें बिना भेव नहीं है। आसन चाहिए आपको, काला आसन ले सकते हैं, नहीं तो कुश के आसन रहेगा वो भी बहुत सही रहेगा। स्फटिक के माला खोजिए, मिल जाएगा तो बहुत सही है, नहीं है तो रुद्राक्ष के माला से काम चल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले आप दक्षिण के ओर जब चौरास्ता खोजिए, दक्षिण के ओर मुँह करिए, उत्तर की तरफ बैठना, दक्षिण के ओर मुँह रखना है। आगाड़ी में क्या करिए, थोड़ा नीप दीजिए, ठीक है? एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी आ सफ़ेद खाल के जौन पुष्प आता है वो रखिए। सफ़ेद खाल का पुष्प रखने के बाद में चौमुख दीपक उधर जलाना पड़ेगा, ठीक है? आ एक ही अगरबत्ती इसमें सुलगाया जाता है एक बार में, जब तक साधना चलता है एक ही अगरबत्ती उसमें चाहिए। ये क्या करिए, सब सामग्री इकट्ठा करिए, एक शरीर पहले सुरक्षा लकीर जौन होता है वो लकीर खींच लिए, फिर उसका अंदर में वो सामग्री रखिए। आ सफ़ेद रुई या जो नितरा बन जाता है उसका बाद में काम लगेगा, ठीक है? आ मिठाई भी रखने के बाद में सफ़ेद कोई मिठाई, सफ़ेद वाला मिठाई उधर रख दीजिए, एक दो बर्फी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? आ मंत्र में जौन मंत्र में बताऊंगा, ये 11 माला हर रोज आपको जाप करना पड़ेगा। स्फटिक के माला होना चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष के माला होना चाहिए, ये दोनों माला में से एक आपको जैसे भी चाहिए करिए। आ करने के बाद में जब आपके आपके मान के लिए जाप खलास हो जाता है, तो जौन इत्र माने इत्र जौन बाचा है, यानी कि सेंट के शीशी बाचा है, जौन रुई उधर देखिए, जब तक ले 11 दिन का साधना है, जब तक ले साधना जब चलता है क्या करिए, और रुई के क्या करिए, उसमें क्या करिए, जौन इत्र है इत्र में भीगा भिगो कर उधरे उसका नाम से सावित्री प्रेतनी के नाम से उधर रख कर
और फिर लकीर को क्या करिए, उसको काटना है, काटने के बाद में फिर वो घर के तरफ आइए। 11 दिन के भीतर में प्रेतनी आपसे खुश हो जाएगी तो आपको दर्शन देती है, जौन सा वचन लेना है ले सकते हैं। अच्छा है भी नहीं भी दर्शन दिया तो आपको इच्छा जौन सा भी मन में है वो इच्छा को जैसे भी वो जाहिर करती है पूरा करती है, ठीक है। तो आप इसको एक बार करिए, आ कमजोर दिल वाले इसको अलग रहना चाहिए ये सब साधना से। नया साधक साधिक आए हो वो भी अलग रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग का कुछ मालूम नहीं रहता है फिर भी वो लोग बैठ जाते हैं कि साधना करने का ठान लेते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ। चलिए मेरा तो इधर तक लाइन तो कट गया है, इसलिए मैं बोला कि चलो ये वीडियो जो है वीडियो को मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है। उधर से आइए, आने के बाद फिर वो पैर उड़ धोकर फ्रेश हो जाइए। साधना जब तक करेंगे दूसरे आदमी से बोलना नहीं है कि मैं ये हूँ। हाँ जॉन, ये साधना है, साधना के बारे में जौन सा भी आदमी कोई भी बात बोलता है तो बताना नहीं है, ठीक है। जौन सा भी दिन से जब बता देंगे तो आपको साधना है वो खंडित भी हो जाएगा और दूसरका में मरने का आपके चांस भी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जौन सा भी साधना करते हैं इसको गुप्त रखना चाहिए। ऐसा कोई भी डरावना अनुभव होता है तो बोलिए है सावित्री माँ कोई भूल चुका है क्षमा करो, मैं नया साधक हूँ, मैं सिर्फ जल कल्याण के लिए गांव समाज के रक्षा करने के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझसे आसानी से सीधी होने का प्रयास करिए ताकि आपके माध्यम से जौन सा भी माता बहनों गाँव समाज की रक्षा कर सको, सिर्फ यही बोलना है। आ नया साधक साधिकाए जौन सा भी ये साधना से दूर रहे, नहीं तो कोई भी जब बात होगा तो खुद जिम्मेवार होगा, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है। और कोई भी बात जानना चाहते हैं, कोई बात जब समझ में नहीं है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मेरा वीडियो जब पसंद है तो लाइक करिए, आई अभी तक मेरा YouTube चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, मेरा साथ जुड़ जाइए, जुड़ जाएंगे तो एक फैमिली और एक परिवार की तरह हो जाएंगे। कोई बात जब समझ में नहीं है तो विस्तार से बताया जाएगा, मंत्र है, मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अभी के लिए चलता हूँ, जय माता दी।